हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन का पार्ट टू वीडियो है। इसके अंदर आज मैं लाया हूँ एंग्री के बारे में कि एंग्री के साथ जब हम गुस्सा होते हैं किसी से तो एंग्री के साथ विद का भी इस्तेमाल होता है और एट का भी इस्तेमाल होता है। सिचुएशन देखते हैं दोस्तों कब होगा। आप एंग्री के साथ विद उस वक्त लगाएंगे जब आप किसी व्यक्ति से नाराज हैं, किसी इंसान से आप नाराज हैं। तो एंग्री विद यू, एंग्री विद मी, एंग्री विद ही, एंग्री विद माय ब्रदर, एंग्री विद माय सिस्टर, ऐसे आपको बोलना होगा। जैसे यह सेंटेंस है कि आई एम एंग्री विद यू, यानी कि मैं तुमसे नाराज हूं। तो विद के बाद देख रहे हैं यहां पर यू का इस्तेमाल हुआ है, तो एंग्री विद यू, मैं तुमसे नाराज हूं या गुस्से में हूं। शी इज एंग्री विद मी, वो मुझसे गुस्सा है, तो एंग्री विद मी। तो ये तो हो गया कि विद आएगा तो किसी ने किसी व्यक्ति का जिक्र होगा, समवन किसी का जिक्र होगा। लेकिन अगर एंग्री के साथ एट आएगा तो एट में आपको समवन नहीं होना चाहिए, समथिंग होना चाहिए, यानी कि आप किस चीज पर नाराज हैं, गुस्से में हैं, किसी के फैसले से, किसी के बिहेवियर से, किसी का कोई एक्टिविटी है, तो उसमें आप एट लगाएंगे। जैसे शी इज एंग्री एट माई डिसीजन, यानी कि मैंने एक डिसीजन लिया, एक फैसला लिया, उस फैसले से आप गुस्से में हैं या वो गुस्से में है, तो शी इज एंग्री एट माई डिसीजन, विद माई डिसीजन नहीं होगा। एंग्री विद मी होगा बट एट माई डिसीजन होगा। अब देखिए, आई एम एंग्री एट हर बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर है, जो बर्ताव है, उससे मैं गुस्सा हूं, मैं नाराज हूं, तो मैं एट लगाऊंगा, एंग्री एट बिहेवियर, तो एंग्री विद नहीं होगा। तो एक छोटा सा वीडियो है गाइस, दोनों का डिफरेंस आई होप कि क्लियर हो गया होगा। कई बार जब एग्जाम में कॉमन एरर्स वाले क्वेश्चन होते हैं तो ये उल्टा कर देते हैं, विद की जगह एट, एट की जगह विद करते हैं, ऐसा होता है। तो आप इस पे फोकस कीजिए, ये सीरीज चलती रहेगी। फिक्स्ड प्रेपोजिशन बहुत ज्यादा होते हैं, आपको ये सब रटना ही होगा एक तरीके से। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।